रेखा के घर जा रहे हैं मैं और सपना। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो रेखा को। आज रेखा के घर में उसके छोटे बेटे का धोती फंक्शन और सत्यनारायण भगवान का पूजा है। Meet our vlogs. Please do like, share and subscribe. Rekha is doing very hard. हम आगे श्रावण आंटी रेखा की ये है श्वेता की बेटी, ब्यूटीफुल एंजल फ्लावर की जैसी दिखती है। यहाँ पर तो हम लोगों का काम कम और बकबक हंसी मजाक ज़्यादा हो रहा है और इसलिए काम बहुत लेट हो गया हम लोगों का। इतना बकबक हंसी मजाक मार पीट। लेकिन हम लोग लक्की का धोती फंक्शन के लिए बहुत एंजॉय कर रहे हैं और तैयारी करते जा रहे हैं और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। रेखा एक बदमाशी करी मेरे साथ, अभी देखिए क्या करी वो। क्या कोच रही नीता, ये है क्या? ये है रेखा की सासू माँ और आंटी। इधर पूरा पूजा का तैयारी कर रही है और पूरा पूजा का सामान बर्तन पूरा धो के साफ कर रही है। माँ तो गुस्से में अगस्त्या। पूजा का सामान है आंटी? पूजा का सामान बालम्मा का सामान। अच्छा रहता हाँ अरे बेटा, अच्छा रहता हाँ, अच्छा रहता भगवान, अच्छा कर अच्छा रहता, खुशी रहता। इल्लू खावाली हाँ आनंद हाँ कुछ పోయిన ఏడాది ఇల్లు చూపించింది, మళ్ళీ ఏడాది మళ్ళీ ఇల్లు చూపించింది. ఇంత నిలబెడతా మళ్ళీ ఉంటావయ్యి నేను. అచ్చా అమ్మని आंटी को हिंदी नहीं आता है और मुझे तेलुगू अच्छा से नहीं आता है, बस समझ सकती हूँ। लेकिन हम लोग दोनों इतना अच्छा मैनेज करते हैं एक दूसरे को, बस इशारों में और थोड़ा टूटा फूटा बातों में अपने एक दूसरे को बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं मैं और आंटी। श्रावणी का नॉटी बॉय आर्यन। श्वेता की बेटी बहुत लकी है क्योंकि वो अपने पापा के ऊपर गई है, उसके पापा के जैसे ही दिखती है तो बोलते हैं ऐसा ही। ये है श्रावणी की क्वीन अविष्का जो बार बार श्वेता की बेटी को खिलाने का कोशिश कर रही है। खुद इतनी छोटी सी बच्ची है लेकिन कितना अच्छा से उसको प्यार से खाना खिला रही है अविष्का। हम लोगों का और फूल का माला बनाने का काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बाप रे, इतना बिजी तो शायद ही कोई होता होगा। माला और बनने से ख़त्म नहीं हो रहा है।
हम लोग सब मिलके डेकोरेशन का काम ख़त्म कर लिए। अभी हम लोग सब खाना खाने के लिए बैठ गए क्योंकि शाम का फिर बहुत सारा तैयारी बाकी है, कुकिंग बाकी है, तो इसलिए हम लोग सब पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर बहुत काम है, इसलिए फटाफट सब लोग मिलके लंच करने के लिए बैठ गए हैं। शाम का तैयारी शुरू। अभी वेजिटेबल कट कर रही हूँ मैं। सब लोग को काम बांट दिया गया है, सब लोग अपना अलग अलग काम में जुटे हुए हैं और मैं वेजिटेबल कट कर रही हूँ शाम को जो खाना बनेगा उसके लिए। सत्यनारायण भगवान का पूजा होगा तो उसके लिए भी चौकी पूरा रेडी है और श्वेता पूरा सजा ली भगवान का आसन। बोलो अविष्का, अविष्का हेलो बड़ी इसका तो। हाँ बोलो। अच्छा बोली दीदी और दीदी और मैं दोनों मिलके किचन संभाले हुए हैं। दीदी बहुत टेस्टी खाना बनाती है और बहुत सारा आइटम बनाई दीदी अकेले। मैं दीदी की हेल्पिंग हैंड थी लेकिन दीदी ने ही पूरा खाना बनाया, बघारा राइस, दाल, आलू कोरमा, पनीर का करी और हलवा से लेके सब पूरा दीदी ने ही बनाया और वेरी टेस्टी। तो आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। आप लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। टाटा बाय बाय।